नमस्कार श्रुतिबंद आज आम शुणा द्वितीय अध्यायर षष्ठ श्लोक ना चैत्य धीम कत्रानो ग्रियो यद्वा जे मे यदि वानो जयो याने वे हत्वान जिजिष्विषाम स्ते वशिष्ठ प्रमुखे धार्तराष्ट्रहम। अर्जुन एथर कहुचंदी आमको एहा भी जणा नाही जे आमो भाई युद्ध करिवा आ न करिवा ए दुईटी मध्यरे कोउटा अत्यंत श्रेष्ठ एवं आमे सेमानंकु जितिबु ना सेमाने आमंकु जितिबे जो मानंकु मारी आमे बंचिया पई मध्य चाहू नाहू सेही धृतराष्ट्रंकर सोजन माने आम सम्मुखरे ठिया होइचंती। युद्ध करिवे कि न करिवे एहारो निर्णय मु करि पारु नाही कारण आपणंकर दृष्टिरु तो युद्ध करिवा श्रेष्ठ किंतु मो दृष्टिरे गुरुजनंकर हत्या पाप होइथिबारु युद्ध न करिवा श्रेष्ठ। एही दुईटी कथा आखि आगरे रहिबारु मो पई केउटा अत्यंत श्रेष्ठ ताहा मु जानी पारु नै एभली अर्जुन कहुचंती। जदि आपणक आज्ञा अनुसार युद्ध करा जाए तेबे आमे सेमानंकु जितिबु कि सेमाने आमकु जितिबे ये कथा भी जणा नाही आमे तो कुटुंबंकु मारी बंचिया पई मध्य चाहू नाहू पुणी भोग उपभोग करिवा राज्य पई हुकुम चलेइबा तो बहुत दूरर कथा। जदि आमर कुटुंब निहत हेबे तेबे आमे बंची रही कौन करिबु जो मानंकु मारी आमे बंचिया पई चाहू नाहू से धृतराष्ट्रंकर सोजन माने आम सम्मुखरे उपस्थित धृतराष्ट्रंक सोजन माने तो आमरी कुटुंब सेमानंकु मारी जीवन धरिबा धिक निज कर्तव्य निर्णय रे निजकु असमर्थन मन करी एबे अर्जुन व्याकुल होई भगवान को प्रार्थना करुचंती। सप्तम श्लोक कार्पाण्ये दोषोः पहाटा स्वभावः प्रीच्यं चमी तवं धर्म समुद्धः चेतः यच्चर्ये सन्यासीश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यति हं शादिमं तवं परापनम। अर्जुन प्रार्थना करी कहुचंती भीरुता रूपक दोष द्वारा मो स्वभाव तिरस्कृत होइथिबारु एवं धर्म विषय अंतकरण रे मोहित होइथिबारु मु आपणंकु पचारुछि जहाँ निश्चित रूपे कल्याणकारक ताहा मते कुहंतु मु आपणंकर शिष्य आपणंक ठारे शरण जाउथिबारु मते शिक्षा दियंतु। यद्यपि अर्जुन निज मनरे युद्धरु निवृत्त हवाकु सर्वश्रेष्ठ मन करु नथिले तथापि पापरु रक्षा पाइबा पई युद्धरु निवृत्त हवा छड़ा अन्य कौनसी उपाय तांकु देखा जाउ नथिला तेणु से युद्धरु निवृत्त हवा पई चाहुतले एवं निवृत्ति कु का पुरुषता रूपक दोष मन न करी गुण मन करुथिले किंतु अर्जुनंकर एही निवृत्ति कु भगवान का पुरुषता ओ हृदयर तुच्छ दुर्बलता बोली कहिले। एही परि भगवान को द्वारा कथित का पुरुषत्व रूपक दोष निजठारु थिबारु स्वीकार करी अर्जुन भगवान को कहुचंती प्रथमत का पुरुषता रूपक दोष हेतु मु क्षत्रिय स्वभाव एक प्रकार दबी जाइछि। द्वितीयति निज बुद्धि रु मु धर्म संबंध रे किछि निर्णय करि पारु नाही मो बुद्धि रे एते अज्ञान घुटी हे जाइछि जे धर्म विषय रे मो बुद्धि किछि काम करु नाही। एइठि गोटे कथा कहि रखे केवल माँ क्षीर उपरे निर्भरशील शिशु रोगरे पड़िले जेपरी ताकु औषध खायाकु पड़े नाही बरन माँ को तापाई औषध खायाकु पड़े सेहीपरी अर्जुन कहुचंती जदि मु गुरुंकर पूर्ण शरणागत होइजिबि ओ तांको उपरे संपूर्ण निर्भर करिबि तेबे मो कल्याण रो दायित्व गुरुंको उपरे आसीजिबो मो कल्याण विषय रे स्वयं गुरु ही चिंता करियाकु पड़िबो। एही भाव रखी अर्जुन भगवान को कहुचंती मु आपणंकर शरणागत मते शिक्षा दियंतु। पूर्व श्लोक रे अर्जुन भगवान कर शरणागत तो होइगले किंतु मनरे भाविले जे भगवान कर तो युद्ध करिवा उद्देश्य रहिछि किंतु युद्ध करिवा मु निज पई धर्मयुक्त मन करू नाही से प्रथम जेपरी उद्दिष्ट कही युद्ध पई आज्ञा देथिले सही परी एबे युद्ध करिया पई काले आज्ञा देई देबे द्वितीयत
बोध हुए निज हृदय भावगुड़िकु मु भगवान को सम्मुखे पूर्ण रूप से उपस्थापित करें। ये दृष्टि अर्जुन निम्न श्लोक युद्ध न करने सपक्ष निज हृदय अवस्था को स्पष्ट रूप से वर्णना करम श्लोक अर्जुन कहते कारण पृथ्वी रे धन धान्य समृद्ध शत्रु विहीन राज्य एवं स्वर्ग रे देवगण आधिपत्य मिलीगले इंद्रिय मानू शुष्क करा जाउथिबा मोर एही दुख जे दूर हो जीव एहा मु देखि पारु नाही। अर्जुन विचार करुचंती भगवान बोधे भावुचंती जे अर्जुन युद्ध कले विजय हेबे एवं विजय हेले तांकु राज्य मिलिबो जाद्वारा तार चिंता और शोक दूर हो जीव और संतोष मिलिबो। किंतु शोक जोगु मोर एपरी दशा हो जाई जे विजय प्राप्ति परे मध्य मोर शोक जे दूर हो जीव ये कथा मु देखि पारु नाही। जदि कुटुंब को मारिबा आशंकारे मोर एते शोक हेउची तेबे सेमाने मरीगले मते केते शोक न हबो। जदि राज्य पाई मोर शोक होइथांता तेबे राज्य मिलीगले ताहा दूर हो जाइथांता। किंतु कुटुंब नाश आशंका जनित शोक राज्य मिलिला परे किपरि दूर हबो शोक दूर हवा कथा छाड़ू बरन ताहा आहुरी बढ़िबो। कारण युद्ध रे जदि समस्ते मरीजिबे तेबे प्राप्त राज्य भोग करिव किए ताहा केउ काम रे आसिबो। तेणु पृथ्वी रे राजत्व ओ स्वर्गर आधिपत्य मिलिले मध्य मोर ही इंद्रिय सुस्कारी शोक दूर हो पारिबो नाही। प्राकृत पदार्थ मान मिलिगले मध्य मोर शोक जे दूर हो जीवो एहा मु देखि पारु नाही। यह कहिया परे अर्जुन कौन कले ताहार वर्णना संजय निम्नोक्त श्लोक करुचंती। संजय उवाच नवम श्लोक एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न यत्सह इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णीवः बभूः हः। दशम श्लोक संजय कहुचंती तुम वाच ऋषिकेश प्रहश्नीव भारत शन्योरुभय मध्य विशीदंत मिदं वचः। नवम एवं दशम श्लोक रे संजय कहिले हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र एपरि कही सारी निद्रा जोई अर्जुन अंतर्जामी भगवान गोविंद को मु युद्ध करिबि नाही बोली स्पष्ट रूप से कही चुप हो गले। हे भरतवंश धृतराष्ट्र उभय सेनांक मध्य भाग रे विषादमग्न अर्जुन प्रति भगवान ऋषिकेश साहस्यह वदन रे एही वचन कहिले। आगू जो श्लोक आम शुणा से श्री भगवान उवाच भगवान जहाँ कहुचंती अर्जुन को संचय दूर करने से आजपाई एति जय श्री जगन्नाथ।